दर्शक बंधु जय जगन्नाथ साई श्रद्धा एस्ट्रोलॉजी रा नूतन अध्याय को ज्योतिर्विद पंडित अजित कुमार दास बोलू ना स्वागत जनाऊ। दर्शक बंधु आज आलोचनार विषय वस्तु बाघर प्रस्ताव कहीं बारंबार भांगी कौन जुग रही जहाँफल बह भांगी जाए से विषय आलोचना करने पूर्व आपण मैंने जान रखु जे बह दुईटी परिवार सहमति से स्थिर होता है बेले बेले लव जोग थाए परिवार को न जणे पुओ झियो विवाह करी थांती से विषय आज आलोचना नुहे। आज आलोचना हेउची विवाह कौन पई बारंबार भांगी जाउची आसंतु कार्यक्रम आरंभ करिबा। कार्यक्रम आरंभ करिबा पूर्वरु जेउ माने मो वीडियो को देखुचंती से माने मो वीडियो को लाइक दिए करिवे एवं अन्य मानक नॉलेज पई मो वीडियो को शेयर मध्य करिवे। जदि आपण माने मो चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करना ताहले एबे ही सब्सक्राइब करी साइट रे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई देबे कारण एही भली नुआ नुआ ज्योतिष भित्तिक कार्यक्रम आम चैनल माध्यम रे आपण सबुदिन देखि पारिबे। विवाह भांगिबार ग्रह माने हेउचंती किए ना शनि मंगल रवि राहु केतु एमाने विवाह को भांगी थांती एवं विवाह को जोड़ी थांती शुक्र मंगल बृहस्पति एमाने विवाह को जोड़ी थांती। कारण जदि आमे मंगल को आमे देखिबा मंगलंकर शुभ स्थिति रहिछि ताहले झियो मानंकर विवाह सुखर कारण होइथाय पुआ मानंकर सुखर कारण जहाकि शुक्रंकु नै संपूर्ण निर्भर करे बा एहा छड़ा बृहस्पति स्त्री लोक मानंकर बा झियो मानंकर विवाहर कारक ग्रह तेणु संपूर्ण रूपे विवाहर स्थिति जदि आमे देखिबा संपूर्ण रूपे विवाहर स्थिति आलोचना करिबा पूर्वरु झियो जातकरे बृहस्पतिंकर स्थिति केमिति रहिछि एवं पुओ जातकरे शुक्रंकर स्थिति केमिति रहिछि ता देखिबा नित्यांत आवश्यक। जदि झियो जातकर जन्म कुंडली रे बृहस्पति नीच स्थान रे रहिछि एवं सूत्र बा जे हमर सूत्र कहुछि शत्रुगृहरे रहिछि बा शत्रुगृहरे रही पाप ग्रहंकर शनि राहुंकर प्रभाव रे रहिछि ताहले बृहस्पतिंकर शुभत्व नष्ट होइथाय एवं विवाह क्षेत्र रे बहुत बाधा प्रतिबंधक देखा जाय एवं विवाह प्रस्ताव बारंबार जो भांगी जाउछि या छड़ा जदि बृहस्पति षष्ठ अष्टम द्वादश भाव रे रहिछन्ते ताहले मध्य विवाह प्रस्ताव बारंबार भांगी जाइथाय। बृहस्पतिंकर जदि जन्म कुंडली रे बकरी भी रहिछन्ते ताहले मध्य विवाह प्रस्ताव बारंबार भांगी थाय। सेइबळी पुअर कुंडली रे शुक्र संपूर्ण रूपे पीड़ित होई जाइछन्ते बा अस्त हो जाइछन्ते पीड़ित अर्थात राहु शनि रवि प्रभाव रे शुक्र पीड़ित हो जाती जदि एमानक ग्रहंक द्वारा शुक्र पीड़ित होती विवाह बारंबार भांगी जाए बा कौनसी जगार विवाह स्थिर हुए ना एवं जदि पुअंक जन्म कुंडली रे निश्चिंत स्थान रे रही पाप ग्रहंक द्वारा जोड़ी हो रही ताहले मध्य विवाह प्रस्ताव बारंबार भांगी जाए एवं अन्य एक जोग जदि देखिबा सप्तम अधिपति आपणकर पार्टनर पंचम आपणकर जहाँकि भल पाइबा जो सप्तम ठारु जदि पंचम गणिबा ताहले एकादश हुए बा एकादश हब ताहले पंचम भाव जदि जन्म कुंडली रे भल रहिछि ताहले पंचम भाव निर्देश करिथाय जे विवाह शीघ्र हेब कि देरी रे हेब। पंचम भाव जदि शुभत्व थाय सप्तम भाव जदि शुभत्व थाय ताहले विवाह शीघ्र होइथाय। सप्तम अधिपति जदि जन्म कुंडली रे अष्टम भाव ओ षष्ठ भाव एवं द्वादश भाव रे रहिथाय एवं पाप ग्रहंकर प्रभाव रे रहिथाय ताहले विवाह विलंबरे हुए। सप्तम अधिपति जदि वक्र थाय सप्तम अधिपति जदि
निश्चस्त थाए ताहले मध्य विवाह विलंबरे हुए। द्वितीय स्थान हेउचि आपणकर कुटुंब स्थान। से कुटुंब भाव को जदि पापग्रहंकर दृष्टि अर्थात शनि राहुंकर प्रभाव थाए बा रविंकर प्रभाव थाए बा मंगलंकर प्रभाव थाए बा द्वितीय स्थान रे शनि राहु रवि मंगलंकर स्थिति थाए ताहले विवाह बारंबार भांगी जाए। ये सबु कारण विवाह भांगिबार कारण। आउ केतेक स्थल रे लग्नाधिपतिंक सहित पंचम अधिपति जुग थाए ताहले व्यक्ति विशेष निज इच्छारे विवाह करंती एवं तांक मन पसंद नहेबा पर्यंत बारंबार से भांगी चलंती। पंचम स्थान रे जदि शनि राहु केतु मंगल रवि थांती एकादश भाव रे मध्य जदि पापग्रह मानकर स्थिति थाए ताहले से संपूर्ण से सबु पापग्रह पंचम स्थान को देखी थांती जहा फल रे झियो हेउ बा पुओ हेउ निज इच्छा रे विवाह करि थांती एवं निज मन पसंद न हेबा पर्यंत से विवाह प्रस्ताव बारंबार भांगी थांती बा भांगी थाए। द्वितीय भाव रे जदि पापग्रह थांती घर परिवार बा से व्यक्तिर कैंडिडेट पसंद हो न थाए ताहा मध्य विवाह क्षेत्र रे विलंबता सृष्टि करे बा विवाह बारंबार भांगी थाए। अष्टम भाव रे मध्य पापग्रह रहिले जहाँ फल अपर पक्ष आपण घरे आपण को देखि हाँ करदे जाती घरे पहुँचला बेलकू मन परिवर्तन हो जाए से तांक तरफ आपण को फोन कर आमे विवाह एवं करूँ ना। ये सब कारण जदि जन्म कुंडली रही गोटे ज्योतिर्विदिर परामर्श नियंतु एवं जदि जन्म जातक सबू जोग रही ताहले विवाह केबे हेबो केऊ प्रतिकार करा जीवो बा केऊ ग्रह बाधक साजुची विवाह हबा पई बा विलंब करूची ताकु एक तर्जमा करी तार सूक्ष्म कला परे बा तार प्रतिकार कला परे जणा पड़े जे विवाह केऊ समय रे हेबो एवं केऊ प्रतिकार विवाह क्षेत्र रे शीघ्र विवाह हबा पई ता उपयुक्त ज्योतिर्विदिक परामर्श नेले आपणकर निश्चित भाव आपण से सफल हेबे बा शुभफल निश्चित भाव पाई परिबे। आशा करे निश्चित भाव मो कार्यक्रम आपण मान को भल लगी आज एतिकि पुणी एक नूतन कार्यक्रम नहीं आपण मानक पाखे मु उपस्थित हेबी से पर्यंत रहुची। नमस्कार। जय जगन्नाथ।